उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज गोंडा के दौरे पर रहेंगे। 12 बजे पुलिस लाइन में करेंगे, बने हेलीपैड पर करेंगे लैंड। स्वर्गीय शेष नारायण मिश्र के आवास पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक। 12:30 बजे विकास भवन में देवीपाटन मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। 2 बजे राजकीय हेलीकॉप्टर से वापस लखनऊ रवाना होंगे। स्वास्थ्य महकमे का कर सकते हैं औचक निरीक्षण। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज करेंगे गोंडा का दौरा। इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं गोंडा से संवाददाता राशिद। राशिद, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आज गोंडा का दौरा करेंगे, इसको लेके आपके पास क्या जानकारी है और वहां भी क्या व्यवस्थाएं हैं? राशिद, पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर उनका उलन खटोला लैंड होगा। वहां से बाईकार जो क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे जिनका निधन हो गया, शेष नारायण मिश्रा जी के आवास पर पहुंचेंगे। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे ये जो रास्ता जो बैरिकेड किया गया है, इसके उस साइड पर घर है जहां पर जाएंगे और माला अर्पित करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे। अगर बात की जाए सुरक्षा की दृष्टि को लेकर तो लगभग मंडलीय स्तर की यहाँ पुलिस मौजूद की गई है। और वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे दाहिने साइड आप देख सकते हैं ये बाबू ईश्वर जिला चिकित्सालय है और कयास ये भी लगाई जा सकती है कि यहाँ पर भी औचक निरीक्षण किया जा सकता है। और यहाँ श्रद्धांजलि देने के बाद यहाँ से वो सीधा विकास भवन जाएंगे जहाँ मंडलीय स्तर के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों को मिल रही है या नहीं मिल रही है, इस पर भी चर्चाएं और मंथन भी होगी। और जिस तरीके से कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, मथुरा या हो या बाराबंकी हो, सहारनपुर जैसे कई जगहों पर जहाँ औचक निरीक्षण किया, जो कमी खामियां भी दिखी उस पर सख्त हुए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनपद गोंडा में जो स्वास्थ्य विभाग है जिस तरीके से लापरवाही आए दिन देखने को मिलती है, उसको लेकर भी DPCM कड़ा रुख अपना सकते हैं। जी वरी राशिद, विकास भवन में देवी पाटन को लेकर जो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, अगर सबसे पहली बात बता दें कि जिस तैयारियों की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से तैयारियां कर चुका है और अब इंतजार है तो DPCM का। और देवी पाटन मंडल में 4 जिले आते हैं, बहराइच हो गया, गोंडा हो गया, बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती हो गए। इन चारों जिले के जो आला अधिकारी होंगे उनके साथ बैठक होगी। और जैसे मैंने अभी फिर कहा कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं क्या वो उन लाभान्वितों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस पर भी मंथन होगा और इस पर भी चर्चाएं होंगी। जी मनीष, 12:30 बज चुके हैं, क्या ब्रजेश पाठक जी के वहां पहुंचने की अभी क्या जानकारी आपके पास ताजा? देखिए, जिस तरीके से प्रशासन अलर्ट है और जिस तरीके से प्रशासन हर चीजों पर नजर रख रहा है और जो अभी सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है कि बस कुछ ही क्षणों में उनका जो राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर है वो पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर लैंड करेगा और वहां से कुछ चंद मिनटों में वो शेष नारायण मिश्रा जी जो जिनका निधन हो गया है वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच सकते हैं। और आप तस्वीरों में मैं भी दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं जिस तरीके से जो भाजपा के कार्यकर्ता और या जनप्रतिनिधि है उनका काफिला आना शुरू हो गया है और वो लोग आना शुरू कर दिए हैं। यानी ये कयास लगाई जा सकती है कि बस कुछ ही क्षणों में वो उनका यहाँ आना तय हो सकता है। जी राशिद, स्वास्थ्य महकमे में औचक निरीक्षण को लेकर भी जानकारी आई है सामने, इसके पास कुछ है आपके पास? फिलहाल जी, फिलहाल अभी ये बता दें कि इससे किसी तरीके से अपडेट नहीं मिल पाया है, लेकिन कयास ये लगाई जा रही है कि कुछ जहाँ पर वो आ रहे हैं, जिनका निधन हुआ है, जो श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, उसके ठीक सामने जिला अस्पताल है और जिस तरीके से अस्पतालों की जो अव्यवस्थाएं थी उसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं वो सारे दुरुस्त कर दिए हैं। कयास ये भी लगाई जा सकती है कि वो अस्पताल पहुंचकर भी निरीक्षण करेंगे। जी जी राशिद, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। में 6 वरिष्ठ PCS अफसरों के तबादले। विपिन कुमार मिश्रा ADM प्रशासन लखनऊ, हिमांशु कुमार गुप्ता ADM वित्त एवं राजस्व लखनऊ, राकेश सिंह ADM ट्रांस गोमती लखनऊ बने, राजेश कुमार पटेल मुख्य राजस्व अधिकारी प्रतापगढ़, विवेक चतुर्वेदी ADM नगर अलीगढ़ बनाए गए, अनिरुद्ध प्रताप सिंह नगर मजिस्ट्रेट सहारनपुर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है ये, यूपी में 6 वरिष्ठ PCS अफसरों के तबादले हुए हैं। विपिन कुमार मिश्र ADM लखनऊ प्रशासन, हिमांशु कुमार गुप्ता ADM वित्त एवं राजस्व लखनऊ, राकेश सिंह ADM ट्रांस गोमती लखनऊ बनाए गए,
राकेश कुमार पटेल मुख्य राजस्व अधिकारी प्रतापगढ़, विवेक चतुर्वेदी एडीएम नगर अलीगढ़ बनाए गए, अनिरुद्ध प्रताप सिंह नगर मजिस्ट्रेट सहारनपुर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है ये। लखनऊ की पारा पुलिस ने जज के साथ अभद्रता की, जमीन के निर्माण कराना जज साहब को पड़ा भारी, जज साहब कोतवाल को समझाते रहे। लखनऊ की पारा पुलिस ने जज के अभद्रता का मामला सामने आया है, लेकिन कोतवाल ने नहीं सुनी उनकी कोई भी बात। जज ने की एसडीएम से बात, एसडीएम का कहना नहीं दिया कोई आदेश। जज ने की कमिश्नर से शिकायत, कमिश्नर ने एसीपी मोहलाजंज को दिए जांच के आदेश। पारा कोतवाली क्षेत्र का मामला है, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है ये। लखनऊ की पारा पुलिस ने जज का साथ अभद्रता की, जमीन निर्माण कराना जज साहब को पड़ा महंगा, जज साहब कोतवाल को समझाते रहे लेकिन कोतवाल ने उनकी एक नहीं सुनी। जज ने की है एसडीएम से बात, सुपर टेक ट्विन टावर का एनओसी देने का मामला सामने आया, नोएडा से वक्त की बड़ी खबर है। तत्कालीन 3 चीफ फायर ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, नियमों को ताक पर रख कर दी गई एनओसी, डीजी फायर की अध्यक्षता में बनी थी कमेटी, कमेटी की रिपोर्ट के बाद थाना फेस 2 में एफआईआर दर्ज। सीएफओ महावीर सिंह, राजपाल त्यागी और नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर है। सुपरटेक ट्विन टावर को एनओसी देने का मामला सामने आया है, तत्कालीन 3 चीफ फायर ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। डीजी फायर की अध्यक्षता में बनी थी कमेटी, कमेटी की रिपोर्ट के बाद कल्याण सिंह की पहली प्रतिमा का होगा अनावरण, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है ये। कैंसर संस्थान में लगेगी कल्याण सिंह की प्रतिमा, डिप्टी सीएम विजय पाठक ने लिया तैयारियों का जायजा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रतिमा स्थापित करने की तैयारियों पर अफसरों ने जानी प्रगति। इस खबर पर हमारे साथ विभांशु मौजूद है। विभांशु, आपके इस खबर को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? जी मनीष, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रखर नेता कल्याण सिंह की जो प्रतिमा है उसकी पहली प्रतिमा का अनावरण यानी कि उनके पहली प्रतिमा का स्थापना लखनऊ में किया जा रहा है। लखनऊ के केजीएमयू के कैंसर संस्थान में उनकी प्रतिमा लगाई जा रही है। वहीं आपको बताएं कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने इस प्रतिमा की जो स्थापित करने की तैयारी थी उसको पूरी तैयारियां की पहले से की गई थी। वहीं आपको बताएं कि अब वो जाकर प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, उसके काम कैसे हो रहा है, कितना प्रगति है उसके बारे में जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ इस दौरान अफसरों से भी उस जो ये प्रतिमा लगाई जा रही है उसके बारे में जानकारी भी ली गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इस प्रतिमा की लागत लगभग 30 लाख बताई जा रही है और 31 अगस्त को कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि है। और आपको बताएं कि इस प्रतिमा जो कि पूरी कांस से बनी है, कांस धातु से बनी है, उस दिन इसका अनावरण किया जाना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 30 लाख की जो ये प्रतिमा बनाई जा रही है इसमें जो उनको उनको समर्पित की जाएगी उनके पहली पुण्यतिथि पे, तो लोगों का क्या उस पर व्यू रहता है? जी मनीष, विभांशु इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंद्रह
14 दिन के बाद भी टोपेबाजों को नहीं गिरफ्तार कर सकी पुलिस। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है ये। बीते 15 दिन पहले टप्पेबाजों ने बुजुर्ग के साथ की थी टप्पेबाजी। बाइक सवार दो टप्पेबाजों ने 28,000 रुपए किए थे पार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे बाइक सवार टप्पेबाज। पुलिस की हिला हवाली के चलते टप्पेबाज अभी तक फरार। सुमेरपुर थाना कस्बे का मामला पूरा। इस खबर पर हमारे साथ मौजूद है ब्रिजेश। ब्रिजेश, 15 दिन बाद टप्पेबाजों को नहीं गिरफ्तार कर सकी पुलिस, इसके आपके पास क्या जानकारी इसको लेकर? है कि ये पूरा मामला बीते 15 दिन पहले का है। बीते 15 दिन पहले हाईवे किनारे एक बुजुर्ग जा रहा था, तभी दो बाइक सवार टप्पेबाजों ने उसको उसके घर तक छोड़ने का जाता देकर पहले तो अपनी बाइक में बैठा दिया। इसके बाद रास्ते में उसकी जेब में रखे 28,000 रुपए पार कर दिए और रास्ते में उसको छोड़कर जो है टप्पेबाज मौके से फरार हो गए। जिसके बाद पीड़ित बुजुर्ग ने सुमेरपुर थाना पुलिस को एक तहरीर सौंपते हुए टप्पेबाजों की शिकायत की। पुलिस ने आनंद फानंद में मौके में जाकर हाईवे किनारे लगे सीसीटीवी के कैमरे खंगाले, जिनमें टप्पेबाजों की तस्वीरें सामने आई। लेकिन आज धीरे धीरे 15 दिन होने के आए हैं, इसके बाद भी पुलिस अभी तक टप्पेबाजों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। विजय, आपकी पुलिस से बात होगी, पुलिस का क्या कहना है इसको लेकर? इस संबंध में यहाँ के जो सुमेरपुर थाना प्रभारी हैं, यहाँ से हमने इस संबंध में दो बार बात कर चुके हैं। बीते सप्ताह ही मैंने इस संबंध में हमने जानकारी करी थी, तब भी पुलिस का एक वही ढुलमुल रवैया चलता ढीला ढाला जवाब देकर इस पूरे मामले की अनसुनी करी थी। और आज भी इस पूरे मामले को लेकर जब हमने यहाँ के थाना प्रभारी से बात की तो उन्होंने कोई इस मामले में संतोषजनक जवाब नहीं दिया, बस वही ढीला जवाब देकर के आगे चलते बने हैं। जी विजय, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी लखनऊ के यातायात को सुधारने के लिए बड़ा कदम। स्कूलों के 500 मीटर के दायरे से हटेंगी दुकानें। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है ये। खाने पीने की दुकानों को खास तौर पर हटाया जाएगा। स्थायी दुकानों को भी हटाने की जिम्मेदारी नगर निगम की। अस्थाई अवैध दुकानों को तोड़ेगा एलडीए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है ये। अवैध दुकानों को हटाया जाएगा। कल से राजधानी में शुरू होगा अभियान। नगर नियम, एलडीए और जिला प्रशासन मिलकर करेंगे कार्रवाई। राजधानी लखनऊ के यातायात को सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। खाने पीने की दुकानों को खास तौर पर हटाया जाएगा। 500 मीटर के आसपास की जितनी भी दुकानें होंगी उनको हटाने का काम एलडीए प्रशासन करेगा। अस्थायी दुकानों को भी हटाने की जिम्मेदारी नगर निगम की। नगर निगम और एलडीए के संयुक्त मिशन से ये अवैध दुकानों को हटाया जाएगा। कल से राजधानी में शुरू होगा यह अभियान। नगर निगम, एलडीए और जिला प्रशासन मिलकर करेंगे इस पे कार्रवाई। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से सागर थापा मौजूद हैं। सागर, राजधानी लखनऊ के यातायात को सुधारने के लिए 500 मीटर से जितने भी दुकानें अवैध होंगी उन्हें हटाया जाएगा, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए मनीष, कुल मिला के आपको बता दूं, यातायात की अगर बात करें तो इससे पहले भी दो इंस्पेक्टर निलंबित हो चुके हैं। एक बंथा इंस्पेक्टर निलंबित हो चुके हैं और साथ ही पीजीआई के इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया था। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि यातायात को लेकर जीके ठाकुर भी हटाए गए थे। और दूसरी बात है कि कल से नगर निगम एलडीए एक अभियान चलाएगा कि स्कूलों से 500 मीटर की दूरी पे जो भी 500 मीटर के अंदर जो भी खान पान की दुकानें होंगी, जो अस्थायी दुकानें होंगी उनको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। और अस्थायी दुकानों को हटाने का जिम्मा नगर निगम का है और जो
स्थायी रूप से अवैध कब्जा करके बैठे हैं उसको एलडीए हटाएगा। जी सागर, क्या एलडीए या नगर निगम के अधिकारियों से आपकी इसमें कोई बात हुई है अभी? जी फिलहाल अभी तक इस मामले में किसी अधिकारी का बयान नहीं आया है, लेकिन एलडीए ने एक आदेश जारी किया है और नगर निगम ने आदेश जारी किया है कि जो कल से अभियान शुरू होगा, और सबसे बड़ी बात है कि यूपी पुलिस और तमाम जो जो तमाम जिम्मेदार विभाग है इसको लेकर चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ में यातायात को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी चलाया जाएगा, और विशेष ध्यान दिया जा रहा है यातायात को लेकर, क्योंकि आपको बता दूं मनीष के पीछे पिछले महीने की बात है कि बनथरा थाना क्षेत्र में 6 घंटे का जाम लगा था, और वहीं एक और अवैध स्टैंड को भी लेकर तमाम जो इंस्पेक्टर हैं निलंबित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं साथ ही शासन इस बात पे ज्यादा ध्यान दे रहा है कि यातायात को सबसे पहले सुगम बनाया जाए, और सबसे बड़े बात यह है कि जो आला अधिकारी हैं कमिश्नर से लेकर डीएम तक वो सड़कों पर उतर रहे हैं, और उन्होंने जो भी स्कूल के बाहर जो जो पेरेंट्स आते हैं जो भी आते हैं लोग आते हैं बच्चों को लेने, उनको दूर किया जा रहा है कि आप अपने बच्चों को लेने अगर आ रहे हैं तो उनको दूर रखा जाए, दूर से पिकअप किया जाए, तो सबसे अच्छी बात यह है कि यातायात पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्राइम के साथ साथ। जी सागर, इस खबर पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।